प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ड्रोन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से एग्रीटेक को बढ़ावा देने, महिला स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें ड्रोन भी प्रदान किए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल महिलाएं कृषि क्षेत्र में अपनी आय बढ़ाने में कर सकेंगी। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।